हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में, जहाँ पर हम सीखते हैं कंप्यूटर को कैसे ऑपरेट किया जाता है। आज हम सीखेंगे एक्सेल फाइल। एक्सेल फाइल में आप कैसे काम कर सकते हो, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सेल फाइल सबसे पहले हमें जाना होता है स्टार्ट के बटन के ऊपर, फिर क्लिक करना होता है ऑल प्रोग्राम के ऊपर। ऑल प्रोग्राम के ऊपर जाने के बाद इस एरो को नीचे की तरफ लाइए। यहाँ पर होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 एक्सेल को खोल लेंगे, क्योंकि मैं 2007 का वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे आने वाले वीडियो को आप इसी तरह से पाते रहो और कंप्यूटर को ऑपरेट करना सीखते रहो। दोस्तों, हमारे चैनल का मकसद ये है, जो जो लोग घर बैठे ही कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, जिनके पास इंस्टीट्यूट में जाने का टाइम नहीं होता, अपनी लाइफ में इतने बिजी होते हैं कि वो कहीं जाने के लिए जा नहीं पाते हैं और कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो में हम सिखाते हैं आपको एक्सेल फाइल को कैसे सेट किया जाता है, इसका पेज सेटअप कैसे किया जाता है, इसमें टेबल कैसे क्रिएट की जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट का बटन दिया गया है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए, हम सेव कर लेते हैं। सबसे पहले सेव एज का ऑप्शन है, सेव एज के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको आपकी फ़ाइल कहाँ पर सेव करनी है। मैं इसको डेस्कटॉप पे ही रखूँगा और यहाँ पर हम अपनी फ़ाइल का नाम देंगे। ऑटोमेटिकली ये बुक रहता है, बुक वन, तो मैं इसको मेरा नाम दे देता हूँ, विक्रम, एम विक्रम। यहाँ पर हम एक्सेल वर्कशीट इसी को रखेंगे, सेव। मैं सेव, ये फाइल मैंने सेव कर दी है। सेव करने के बाद देखिए, मेरे नाम से तो सेव हुई नहीं है ये बुक, क्योंकि मेरे नाम से पहले से ऑलरेडी फाइल बनी हुई है। यहाँ पर देखिए, ऊपर ये नाम आ गया, बुक वन डॉट एक्स एल एक्स एस एक्स, इस नाम से ये फाइल सेव हुई है। अब आपको करना क्या है, ये जो है नीचे देखो, शीट वन, शीट टू, शीट थ्री दी गई है, हम इनमें काम कर सकते हैं। ये शीट वन है, ये शीट टू, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो दूसरी शीट खुल जाएगी, इसके ऊपर क्लिक करने से तीसरी शीट खुलती है। हम काम करेंगे शीट वन में ही। अगर आपको ज़्यादा काम करना होता है तो शीट को क्रिएट भी कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक करने के बाद एक शीट और नई क्रिएट हो जाएगी। अगर हम इस शीट को, शीट के नाम को, शीट वन को चेंज करना चाहते हैं, तो इसके ऊपर क्या करना है, हमें राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद रीनेम, रीनेम करने के बाद हम अपना नया नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं अपना नाम डाल देता हूँ और एंटर को प्रेस करेंगे, तो ये शीट का नाम क्रिएट हो गया। अब सबसे पहले आता है हमारा कर्सर, ये जो आप ब्लैक ब्लैक डार्क दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं कर्सर। अब हम कुछ भी टाइप करेंगे तो इसी सेल के अंदर टाइप किया जाएगा। ये ऊपर से नीचे की तरफ जो जा रहा है, इसको बोलते हैं रो, और ये लेफ्ट से राइट की तरफ जो जाते हैं, इनको बोलते हैं कॉलम। यहाँ पर हम इनके अंदर टाइप कर सकते हैं, कोई भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं,
जैसे मैं आपको एक टेबल क्रिएट करके दिखाता हूँ, जिसका नाम रखेंगे हम टाइम टेबल। देखिए, हम एक स्कूल की एक टेबल बना रहे हैं, टाइम टेबल जो पीरियड 1 से लेकर स्टार्ट होगी और पीरियड 8 पे ख़त्म होगी। PERIOD, पीरियड। ये पहला कॉलम हमने डाल दिया, पीरियड। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब आपको सारे टाइप करने की ज़रूरत नहीं होती। पहले आप क्या करोगे, इन तीनों को सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद एरो को यहाँ लेके आओ। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ खींचोगे तो ऑटोमेटिकली ये काउंट होता रहेगा। ये हमने पीरियड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक डाल दिए हैं। अब हमें क्या है, सब्जेक्ट लिखने हैं। सब्जेक्ट पहला पीरियड होता है सपोज इंग्लिश का, इंग्लिश। दूसरा हिंदी, तीसरा मैथ, चौथा साइंस, फिफ्थ पीरियड SST, सिक्स्थ पीरियड GK, सेवन पीरियड कंप्यूटर, और लास्ट का पीरियड होता है सर किस चीज़ का, ड्राइंग। अब क्या करना हमें, सब पहला पीरियड होगा, यहाँ पे क्लास लिख देता हूँ, सेकंड क्लास। सेकेंड क्लास में होता है फर्स्ट पीरियड इंग्लिश का, थर्ड क्लास में होता है हिंदी का, फोर्थ क्लास में होता है मैथ का, फिफ्थ क्लास में साइंस, सिक्स्थ क्लास में SST, सेवन्थ क्लास में GK, एट्थ क्लास में कंप्यूटर और नाइन्थ क्लास में ड्राइंग। फ्रेंड्स, ये टेबल जो है मैंने आपको समझाने के लिए बनाई है। ये कोई ऐसी ओरिजिनल टेबल नहीं है पीरियड की। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें टेबल कैसे क्रिएट करोगे आप। आपको कर्सर पीरियड के ऊपर लेके जाना है, फिर शिफ्ट को दबाकर राइट साइड में एक एरो की दी गई है, इसको आप कंटिन्यू प्रेस करोगे तो ये आगे जाती रहेगी। फिर नीचे डाउन की तरफ एक और एरो की दी गई है, शिफ्ट को छोड़ना मत, उसको प्रेस करोगे ये नीचे की तरफ आती रहेगी। ये हमारी टेबल पूरी सेलेक्ट हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक डॉट डॉट की लाइनें दी गई है, हमें क्या करना है, ऑल बॉर्डर को सेलेक्ट करना है। ऑल बॉर्डर को सेलेक्ट कर लेंगे, ये हमारी टेबल क्रिएट हो जाएगी। सारे बॉक्सेस इसके अंदर आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इसको डार्क करना है। हेडिंग को हम डार्क कर देंगे, बी को, यहाँ पे बी दिया गया है बोल्ड, बी पे क्लिक करेंगे बोल्ड हो गया,
और हमें क्या करना है, इसको सेंटर में भी करना है। सेंटर यहाँ से सेंटर हो जाता है, सेंटर पे क्लिक करेंगे, जो वर्ड जो हैं सेंटर में आ चुके हैं। हमें पीरियड को भी सेंटर में डालना है। चाहे पहले सेलेक्ट कर लेंगे शिफ्ट और एरो की सहायता से। अब यहाँ भी सेंटर के ऑप्शन को क्लिक करते हैं, ये जो है सेंटर में आ गए। फिर क्या, हम क्लासेस को भी सेंटर में करेंगे। शिफ्ट दबाकर राइट साइड, राइट एरो की है जो, उसको दबाएंगे तो ये सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर माउस की सहायता से हमें सेंटर पे क्लिक कर देना है। ये भी सेंटर में हो गया। इस तरह से आप पूरी टेबल को क्रिएट कर सकते हो। कई बार क्या होता है, एक पीरियड दो क्लास में हो जाता है। सपोज इंग्लिश का पीरियड सेकंड में भी है और थर्ड में भी है। तो आपको क्या करना होता है, इसमें आप इसको शिफ्ट दबाकर दोनों को एरो को सेलेक्ट कर लोगे। हमें क्या करना है, इसको मर्ज करना है। मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, इसको क्लिक करेंगे, बीच की लाइन ऑटोमेटिकली इरेज हो जाएगी। तो हम यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे तो दोनों कॉलमों में आ जाएगा वो। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू। अब हमने फाइल सेव तो कर ली थी, दोबारा से इसको फिर सेव करना पड़ेगा, फिर आप इसको क्लोज कर सकते हो।